या दुखी दुखी सहने का दरबार में दर्द मिटाए जाते हैं। ये संसार नहीं है रहने का, ये संसार रहने का स्थान नहीं है, कहते हैं ये दुख का घर है। अब देखो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी है कि नहीं बताओ, दुखी दुखी है कि नहीं सब। इसलिए कहते भैया संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही दुख ही सहने का। अभी किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया कि संसार में दुख क्यों आता है? दुख तो कोई निमंत्रण देता है घर में, कोई बुलाते घर में, कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाते, लेकिन बिना बुलाए आता कि नहीं आता है ना दुख को। इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले संसार में दुख कष्ट क्यों आता है? तो प्रभुपाद का इसका उत्तर देते हैं कि दुख कष्ट आता है मतलब भगवान दुख देना नहीं चाहते। बोले क्या, भगवान चाहते तुम सुख में रहो, लेकिन ठाकुर जी ये दिखा रहे हैं ये संसार नहीं है रहने का, ये संसार यहाँ दुख ही दुख ही सहने का है। इसलिए अगर ये चीज को पता चल जाएगा संसार दुख ही दुख है, फिर सुख के लिए कोशिश करोगे, सुख के लिए प्रचेष्टा करोगे, करोगे तो फिर सुख कहाँ है? ठाकुर की शरण में ही, ठाकुर जी की शरण में ही शांति सुख मिलेगा है। सुख फिर ढूंढेगा ना असली सुख कहाँ है, असली सुख तो अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, भगवान की चरण में ही अशोक है, उनकी चरण में ही अभय है और उनके चरण में ही अमृत है, ठाकुर के चरण में ही। इसलिए अभी प्रश्न ये ठाकुर का चरण मिलेगा कैसे, ठाकुर जी के चरण में कैसे मिलेगा? इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए जब तक जीवन में हमें सत्संग नहीं मिलता है, संतों की कृपा नहीं मिलता, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, अनंत करोड़ ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को ही साधु संग मिलता है। सचमुच जब साधु संग मिल जाए ना क्या समझो, बोले भवा अभवर्ग भ्रमित जदा जनस्य दहीर अतु सत्समागम सत्समागम चहीर बराबरे से तो ही जाए रती। जब जीवन में साधु संग मिल जाएगा फिर क्या होगा, जैसे रहने वैसे संग वैसे रह गए। जैसे तुम लोग कल में कंठी लगाए हरि नाम कर रहे हो, किसी कृपा से संग, किसी संतों के संग मिला है, जिस संतों के संग से तुमको ये मिला है जीव रे स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, हम सबके सब भगवान के नित्य दास हैं, उनकी संतान है और उनको भूलने का वैसे ही जैसे जितने दुख है। इसे जब नारद जी मिले हैं ना उनने यज्ञ बंद करवा दिया, बोले जरूरत नहीं यज्ञ करने का क्योंकि हमें साधु मिल गया ना, और जिसको नारद जी के संग हो गया बस कल्याण है। ध्रुव प्रहलाद को देखो कितने छोटे उम्र से संतों के संग नारद जी संग हुआ से बड़ा पार है। वाल्मीकि जैसे दस्यु रत्नाकर था डाका डालता था, बस नारद जी का संग हो गया कल्याण हो गया, कहां वाल्मीकि बन गए, दस्यु रत्नाकर से वो वाल्मीकि बन गए हैं। इसलिए अगर जीवन में हमें सही साधु संग मिल जाए ना समझना हमारी बड़ा पार हो गया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को, बोले किसको मिलता है साधु संग, मिलता है किसको, बोले साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो ना उसी को ही जीवन में ये साधु संग मिलता है। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हो ना संतों के संग में जो दिख कीर्तन तुम लोग साधारण मत समझो, बताओ यहाँ इस जगह का नाम क्या है, पहाड़गंज, कितने लोग बुलाए होंगे, कितने से लोग आए बताओ, दूसरे लोग क्यों नहीं आए, दूसरे लोग क्यों नहीं आए, कारण क्या है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो पापी है ना भैया उनका सत्संग में उनको रुचि नहीं होती है। कोई हीरो हीरोइन आ जाए बता रहे थे ना, कोई हीरो हीरोइन आ जाए ना उम्र पड़ेंगी है, जगह नहीं होता प्यार रखने का, दस दस घंटा पहले आकर खड़े रहते, टिकट बनाने पर भी टिकट भी 1000-2000 रुपये भी टिकट मिलता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं किसी सौभाग्यवान जीव को साधु संघ में रुचि होता है, फिर वो सदगुरु आश्रय करते हुए फिर भगवान की भक्ति करते। इसलिए जब यह नारद जी आए ना बंद करवा दिया, मतलब जरूरत नहीं यज्ञ करने का, यज्ञ का फल ही मिल गया, क्योंकि संतों की कृपा से ही जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, सत्संग से हमारे हृदय की सारे अज्ञान अंधकार सबके सब दूर हो जाता है। फिर उन्होंने
में उनका आसन देख कर बैठा है। बैठा करके क्या किया, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम तेहिनाम क्षण भंगुरम तथापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। वसुदेव महाराज कहते हैं बोले एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है क्योंकि 184 ब्रह्म के ये नरतनु है, फिर उसका अंदर में और दुर्लभ किया है, बोले उससे भी दुर्लभ है जीवन में संतों का संग, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ सत्संग है, हैं? कभी ये सत्संग ही जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ है, इसलिए बोले तेहिनाम क्षणम भंगुरम। दुर्लभ तो जीवन है लेकिन ये जीवन कैसे है, बोले कमल दल जल जीवन अटल मल, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी लगो ना जैसे कब खत्म हो सकती है, जैसे पानी में बुलबुला बनता है ना, पानी में जैसे बुलबुला बनता है झट खत्म हो जाता है, ये जीवन भी ऐसे। अभी कोरोना आए थे ना, कितना लोग गए ना, कितना लोग किसको बोलो भजन करने, बोले अभी तक थोड़ी मर रहे, अभी सब भजन करेंगे, अभी सब भजन करेंगे नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राख्यम, जो बुद्धिमान है उनको 5 उम्र से प्रभु का भजन करना शुरू कर देनी चाहिए। कितना साल उम्र से, 5 में बच्चों का 5 से क्यों करें, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद क्या बोले, बोले कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारी, न्यूज पेपर रोज पढ़ो, किसका एक्सीडेंट में, किसका हार्ट अटैक में, कहीं लड़ाई झगड़ा में, किसको गोली मार दिया, इसी मर रहे हैं। हमने जो श्वास लिया है दूसरा वाले भी श्वास ले पाओगे, बोल सकता है हम दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे हैं। इसलिए प्रहलाद बात करते हैं जो बुद्धिमान है उनको 5 उम्र से प्रभु की भजन करना शुरू कर देनी चाहिए। बोले क्यों, दुर्लभ मनुष्य जन्मम है तो दुर्लभ लेकिन तथा अधुर्वम, कब ये खत्म हो जाएगा कोई है विश्वास नहीं, लेकिन अधुर्लभ तो है लेकिन अनित्य तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वस्तु इसी जीवन में तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते भैया जितने जल्दी बार क्या करो, प्रभु की भजन करना शुरू कर दो। फिर प्रश्न करते हैं यहाँ पर, देखो जीवन में सब तो सब सुख चाहते हो, सुख चाहते हो ना, दुख कोई चाहता है, सुख चाहते है ना, चाहते हो तो सुख, लेकिन बिना बुलाए निमंत्रण के दुख आता ही नहीं, आ जाता है ना, कोई निमंत्रण करता है दुख घर में आए, बिना बुलाए आता है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु की भक्ति के द्वारा जैसे तुमको शांति मिल सकती है, और किसी के द्वारा भी शांति, तुम्हें सब कुछ कोशिश करते शांति सुख मिले ना, लेकिन कहते प्रभु की भजन में जैसे शांति मिलेगा और किस चीज में तुमको शांति नहीं मिलेगी हैं। पहले उदाहरण देकर समझाए, उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ कहीं फोड़ा हो जाएगा, अच्छा तरह समझ लो तुम्हारी कोई फोड़ा हो जाएगी, अगर उसको अगर मलहम पट्टी करोगे ना वो सही होगा, देखना वो दूसरी जगह पर फिर निकलेगा, फिर देखना उसका मलहम पट्टी करो देखना तीसरी जगह पर निकलेगा, वो पूरा शरीर से ही निकलते रहेगा। बोले क्यों, बोले ये क्यों, ये फोड़ा हुआ ये चीज को देखो, फोड़ा किस लिए हुआ है, कारण है तुम्हारी जो ब्लड है ना वो खराब हो गया है, इसलिए मलहम पट्टी करने से कुछ नहीं होगा, क्या इसका ही करना पड़ेगा, तुम्हारे ब्लड को सही कर दो फोड़ा खत्म हो जाएगी, मलहम पट्टी लगाओगे तो दूसरे जगह पर तीसरे जगह पर रहेगा, पूरा शरीर में निकलते रहेगा, लेकिन ब्लड को सही कर दो सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं ये दुख का कारण समझो, इसका जड़ क्या है ये चीज को समझ लो, अगर ये चीज को समझ जाओगे ना फिर तो सही हल हो जाएगी। बोले सारे जड़ है कृष्ण भूले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया कार्य देह संसार ऋतु, जितने संसार का दुख का कारण है हमारे जो असली पिता जो तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुस्स सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तमेव तुमेव सर्वम, जो असली हमारी जो पिता है ना हम उसको भूल चुके हैं, जो नकली पिता को पकड़ लिया, नकली स्त्री को पकड़ लिया, नकली भाई को पकड़ लिया, नकली बच्चे को पकड़ लिया है, जो असली नहीं नकली को पकड़ लिया है, वो नकली पकड़ने का नाते है ना वो जितने सारे सुख कष्ट उसका जड़ है। असली पिताजी का चरण पकड़ लो ना बस कल्याण ही मंगल ही मंगल है तुम्हारी है। इसलिए जितने सारे अब संसार में देख लो एक दुख है, कोशिश करते एक दुख किस तरह से हल हो जाए, अब देखना एक दुख तो गया नहीं दूसरे दुख पीछे घड़ी है कि नहीं, सबसे दूसरे दुख किसी से हल तीसरे दुख पीछे पीछे ही घड़ी है उसका पीछे है। समुद्र में देखे हो, समुद्र देखे वहां कैसे पानी लहर कैसे आती है,
एक लहरी दूसरे दूसरे तीसरे लहरी 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 है, हैं? इसलिए मूल है भगवान को हमने भूल गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो वहां पर प्रश्न करते हैं कौन, वसुदेव महाराज नारद जी को प्रश्न करते हैं। इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले। तो उन्होंने बताया देखो जितने सारे अशांत का कारण है हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए जितना अशांति है। पर क्या करना पड़ेगा, बोले तसई से आत्मा गुरुदेव आत्मा, सबसे पहले गुरु जी की शरण ग्रहण करो। किसकी शरण लो, गुरु जी की शरणागत हो जाओ। अब गुरु जी को क्या मांगो, क्या समझो कि साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान अभिन्न स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म है, उनके चरण को आश्रय ग्रहण करो। आश्रय ग्रहण करते हुए कहेंगे क्या, ये चीज को समझ लो। कोई कोई सोचता ना भरे भक्ति तो बड़ी कठिन चीज है, प्रभु का भजन कैसे करें, बड़ा कठिन। इधर देखो मेरे तरफ, भजन किसको कहते हैं, भजन कहते हैं मेरे तरफ देख लो, भजन कहते हैं मेरे तरफ देखो। जैसे यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ है ना, हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रख लिया, यही भजन और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं, मतलब क्या है, जो कुछ कर रहे हो वही करो, अलग नहीं करना है, रोसे तो बनना है, बगैर रोसे से होगा भूखे ना भजन वही गोपाल, रोसे तो भजन करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो हम रसोई बनाते थे क्यों, अपना लिए, हम खुद खाएंगे बाल बच्चे खाएंगे। लेकिन अभी जो रसोई बनाएंगे ना किसके लिए बनाएंगे, अरे बोलो जोर से, ना अपना लिए बनाओगे, किसके लिए बनाते हो, भोग लगाते हो कि ठाकुर को, हाँ इसलिए ठाकुर जी के लिए है। पहले घर में भी झाड़ू पोछा लगा करते थे, अभी भी वही झाड़ू पोछा, बोले किसमें झाड़ू, पहले उसे तो अपना घर बनाया, मैं रह रहा हूँ मेरा घर है, नहीं अभी मंदिर घर क्या, बोले भगवान का मंदिर, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे, बढ़िया स्नान करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, सूट सलवार पहनो। बोले क्यों, बोले लोग हमें देखेंगे कितने बढ़िया कपड़ा पहने, है ना। बोले नहीं अभी इसलिए कर रहे हैं ठाकुर जी का सेवा करेंगे, अच्छे कपड़ा पहनेंगे तब तो ठाकुर तो सेवा करेंगे, ठीक है ना। पहले पैसा कमाए थे, बोले क्यों, बोले बीवी बच्चे खाएंगे। लेकिन ए बच्चो ठीक से बैठो, बोले अभी जो हम पैसा कमाएंगे तब पानी ले आओगे, इसलिए अभी जो हम पैसा कमाएंगे किसके लिए पैसा कमाएंगे, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए पैसा को नॉर्मल फिल्टर से बस ऐसे ही, अरे दे दो पैसे, दे दो इधर दो, इसलिए अभी जो कमाएंगे किसके लिए कमाएंगे, अभी जो कमाएंगे ठाकुर जी की सेवा। पैसा बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, पैसा बगैर कुछ होगा, इन्होंने आज संतों को घर में बुलाए, पैसा को कुछ हुआ है, पैसा था तब तो गाड़ी बेच कर बुलाए, तब भक्तों को बुलाए, इसलिए पैसा हुआ, पैसा कमाओ किंतु तो पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी नारायण की, उनकी सेवा के लिए पैसा कमा रहे। अगर अपना भोग के लिए कमाओगे तो फिर तो लक्ष्मी बिगड़ करके आई घर में, सुखी होकर नहीं बिगड़ कर घर में, घर में लक्ष्मी आएगी, ठीक है ना। इसलिए कहते किसी कहते जो कुछ करते काय मन और वाक्य, ये तीनों को द्वारा सारे काम करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करें, काय को द्वारा शरीर की सेवा, मन को द्वारा प्रभु का चिंतन, वाणी को द्वारा भगवान की कथा, वाणी को द्वारा भगवान की कथा, बस। भजन कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल, प्रभु का भक्ति बहुत सरल है। अभी जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए करो, भगवान के लिए करो, है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते कब तक ये माया है, बोले जब तक अपना सोचते हो, लेकिन जब भगवान के लिए कर रहे हो ऊपर माया नहीं, वो प्रभु की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, ठीक है ना। इसलिए उसको बाद में क्या करनी चाहिए, तो कहते उसको बाद में श्रीनन सुभद्राणि रथांगमानि जन्मानि कर्माणि करोति लोके। इसलिए अभी रोज कुछ नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, भगवान की कथा सुनो, क्या करो, जैसे हमारे गुरु जी की कथा यूट्यूब में देखना, रोज एक ही कथा आती है, अब बहुत सारी कथा है, जैसे घर का काम घर में बस मोबाइल में, इधर तो उल्टी पुलटी चीजें नहीं देकर मोबाइल खोल दो, गुरु जी कथा लगा दो, स्वामी महाराज की कथा आती, अच्छी अच्छी कथा आती उसको लगा दो, ठीक है, लगा करके अपना घर का काम करते रहो और गुरु जी कथा सुनते रहो, क्या करनी चाहिए, अरे बोलो। जो व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा ना वो कोई भजन नहीं कर सकता, भजन हो ही नहीं सकता, तुम्हारे भजन क्यों करेंगे, भगवान के लिए समय हम क्यों देंगे, प्रश्न है ना, हम क्यों देंगे समय भगवान के लिए, किसलिए माला लेकर बैठे, इसका जो महिमा नहीं सुनेंगे ना
जब तक उसकी महिमा नहीं सुनेंगे तब तक हमारी रुचि नहीं होगी। इसलिए क्या करना, गुरु जी कथा खोल कर रख लो, कथा सुना और घर का सेवा करते रहो, घर का काम करते रहो। ठीक करोगे कि नहीं? और हाथों में जो कुछ करना ठाकुर का सेवा मान करके, और मुंह में ठाकुर का नाम, हाथों में काम मुंह में, अरे बोलो मुंह में नाम। बोल रहे हो ना, करोगे कि ना उसे भूल जाओगे। करना है हाथों में काम भगवान के, मुंह में काम नहीं ठाकुर का सेवा, ठीक है ना। इसलिए कहते श्रीनंद सुभद्राणी तथांग बाणी, जब भगवान की कथा श्रवण करते क्या होता है, हमारे जो हृदय है ना, धीरे 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 हृदय हमारे साफ होते जाती है। अभी जो भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भक्ति, जो तिलक लगाए गले में कंठी क्यों, कहीं तुमने कथा सुनी हो, कहीं कथा तुमने सुनी है, ठाकुर जी की महिमा सुने हो, तिलक किया, कंठी किया, माला किया, कहीं सुने हो, तभी आज थोड़ी बहुत यहाँ पर चुपचाप बैठ कर कथा सुन रहे हो। है जो कथा की महिमा नहीं सुनो क्या कर रहे हैं, टीवी खोल कर बैठे हो, स्मार्टफोन के पीछे लगे हुए हो, है इसे तुम लोग क्यों कथा सुन रहे हो, सुने हो। इसलिए श्रीनंद सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानी कर्माणी चजारी लोग, जब भगवान के गुण कर्म कथा सुनोगे, धीरे 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 जिसकी महिमा सुनोगे ना, उसके प्रति धीरे धीरे रुचि होती जाएगी। इसलिए भगवान की कथा में जिसको रुचि नहीं है ना, वो भक्ति में रुचि हो ही नहीं सकती है। इस जगत में देखना, कोई लड़का जब लड़की को प्रेम करता है ना, कोई लड़की लड़का को प्रेम करता है, देखना उसको नाम कापी में मिलेगा, हाथ में मिलेगा, दीवार में मिलेगा। अगर उसका भाई नाम के ना कान से खड़ा हो जाएगा, क्यों, उसको प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है ना, इसलिए नाम सुनते से कान उसकी खड़े हो जाता है, उसको प्रेम करता है ना। इसलिए हम जो भगवान को प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है, कथा हमें अच्छी लगेगी, उनकी कथा अच्छी लगेगी, ठीक है ना। इसलिए फिर करना क्या, बोले भगवान का नाम करना, कहते एवं प्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग प्रचित हो चाहिए। कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताए, भगवान का नाम, भगवान का नाम को क्या करो, बोले जीवन का व्रत, जीवन का हम कहते ना हमने व्रत लिया, व्रत कठोर, आज हमने व्रत रखा, मतलब भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, बोलते है ना। इसलिए फिर जीवन में व्रत क्या कर लो, भगवान का नाम को व्रत करो, क्या करो, आप बोलोगे देखना, अगर दूसरा किसकी चुगली हो ना निंदा है, सास बहू की बहू सास काट खड़ी हो जाएगी, अगर वहां भी दूर में अगर कोई चुगली करता हो, यहाँ से पता चले कुछ हो रहा है वहां पर, अब तो ना धीरे 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 जाएगी। हाँ मैं भी सुना है, जानता हूँ, लेकिन अगर भगवान की कथा कीर्तन हो ना, भैया नींद आ रही है, तकिया ले आओ, सोना सोना चाहते हम, नींद आ रही है, है? लेकिन यहाँ कहते हैं, देखो ये चीज को उदाहरण दे रहे, भगवान का नाम कैसे है, बोले मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगला नाम सकल निगम बल्ली सतपल चित स्वरूपम सक्रीदपि परिहितम श्रद्धया हेलवा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण। जो भगवान का नाम है, इससे मीठा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जगत में अगर सबसे ज्यादा कुछ मीठा है ना, भगवान का नाम है। जगत में अगर सबसे कई मधुर है, क्या है, भगवान की नाम है। जितने सारे वेद पुराण इतिहास अगर निचोड़ करोगे, उसको मंथन करोगे, तो अगर मक्खन निकलेगा तो प्रभु की नाम ही निकलेगा। क्या निकलेगा, हर जोर से बोलो नाम। देखना मरते समय जो चार व्यक्ति ले जाएगी, क्या बोलते बोलते, राम नाम सत्य है, ये बोलते ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते है, सब कोई बात उठा, किसको बोलते हैं, गोपर जो लेटा हुआ है। बोले जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिए था ना, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय जीवन में जो कुछ किए हो ना, झूठे भी बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही है। जिस पत्नी को तुमने सात फेरा लगा करके शादी किया, गला के हार बनाया, वो रो रो कर दरवाजा तर जाएगी, तेरे साथ में आगे वो जाने वाले नहीं। जिनको परिवार बना तेरे साथ में जाएंगे शमशान तक, खोपड़ में घी भर करके ना फोड़ करके वहीं से आ जाएंगे, टाटा करते करते वहीं से आ जाएंगे, हैं? इधर आगे क्या जाएगा, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने नाम लिया वही पाएगा, और जगह में जीवन जगह में सब ही खुवाए, जगह में सब ही खुवाए, ठीक है ना। इसलिए जीवन में व्रत किया करो भगवान के नाम को। लेकिन आप बोलोगे नाम में रुचि नहीं होता है, सबसे स्मार्टफोन देखो कितना घंटे देखते हो, स्मार्टफोन घंटे घंटे बीत जाती है, दिन पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु का नाम 10 मिनट बने ले करते, झटपट झटपट कभी खत्म हो नहीं, रोटी ठंडा होती जा रही है।
इसलिए रुचि क्यों नहीं होता है? हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी एक उदाहरण देकर बताए, जैसे मिश्री, मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए? अब तो मिश्री कड़वी लगती है ना, खट्टा लगती है, मीठी लगती है? हाँ तो खाए हो, इसलिए मिश्री मीठी लगती है। लेकिन कहते हैं मिश्री भी किस किस को कड़वा लगती है, बोले मिश्री किसको कड़वा लगेगा बोलो? हाँ, जिसको पीलिया की रोग हो जाए, जंडिस की बीमारी हो जाए, देखना वो जो कुछ खाए उसको सब कड़वी कड़ी लगे, सब कड़वी कड़ी लगे। लेकिन डॉक्टर पहले बोलते थे जंडिस का बीमारी हो जाए, फिर देखो मिश्री खा जाए, लेकिन अभी मिश्री तुमको मीठा नहीं लगेगी, मीठा तुम्हें नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारी जो जीवा है ना ये हो गया कड़वा है। लेकिन वो मिश्री कड़वी नहीं, तुम्हारी जीवा हो गया कड़वा। क्या करो, मिश्री को चूसो, मिश्री चूसते 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 तुम्हारा जो कड़वापन है ना वो धीरे धीरे नष्ट होगा, धीरे धीरे नष्ट होगा। नष्ट होते होते जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर मिश्री मीठा लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाएगी, समझो तुम्हारी बीमारी खत्म, बीमारी तुम्हारी खत्म हो गया बीमारी। इसका मतलब क्या है? अभी तुमको भगवान का नाम अच्छी नहीं लगता है, प्रभु का नाम नींद आएगी नहीं तो मन इधर उधर बैठेगा। लेकिन क्या करो, डॉक्टर बोले भगवान का नाम अच्छा नहीं लगे, बैठो जोर जबरदस्ती माला लो और ठाकुर के सामने जोर जबरदस्ती बैठो, मन नहीं करता है। बचपन में पढ़ने की इच्छा करती थी, स्कूल में जब जाते थे मैया रो रो कर जाता था बच्चा, गए होंगे, मैया हाथ पकड़ कर ले जाती जोर जब, चलो मैं चलती हूँ तेरे साथ में बैठूंगा, बैठूंगा एक घंटा बैठ कर आया। जब दो चार दिन जाना जाएगा ना, वहाँ पर बराबर उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ में बात कर खेला को देगा, फिर तो उसको रुका नहीं जाता, नहीं स्कूल जाना है। क्यों? सब बच्चे बराबर उम्र के बच्चे मिलेंगे ना, खेलते कूदते हैं वहाँ पर, अच्छा लगता है। जैसे बच्चे फिर पढ़ने के लिए बचपन में बोलते ना, पढ़ो पेपर आ गया पढ़ो, अभी उठो सवेर, बोलते हैं भैया तुमको, बोलते हैं ना, इनको भैया बोलती है, नहीं बोलती हो वो अभी भी बोलती है। लेकिन जो थोड़ी बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई में नहीं इतना मार्ग हमें लाना है, फिर देखना उसको फिर बोलना नहीं पड़ता है। अगर खाने के लिए अगर स्कूल क्लास का टाइम हो गया ना, अभी भरोसा ही नहीं बनी, बोले नहीं टीचर हमें गाली देंगे, उसी समय पहले तो जाना नहीं चाहता था, अभी भोजन भी छोड़कर चले जाता है, क्यों? टाइम हो गया पढ़ने का, इतना मार्ग हमें लाना है, पास करनी है, हमें पास करना है, फिर बोलना नहीं पड़ता है बच्चों को, नहीं इतना मार्ग लाना है, पास करनी है। फिर तो दिन रात है मैया भोजन के लिए बुलाती, आ जा भोजन कर ले, नहीं अभी थोड़ा पढ़ लेते है ना। कहते उसी तरह भगवान का नाम बढ़िया मीठा है, इससे मीठा, लेकिन अभी तो अच्छी नहीं लगेगी, क्या करना, उसको जोर जबरदस्ती करना, जोर जबरदस्ती करने का है। करते 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 इतने जब रुचि हो जाएगी ना, फिर तो भगवान का नाम ही नहीं छूटेगी, माला ही नहीं छूटेगी। जब समय देखो तो बच्चों को तो माला, जब देखो माला लेकर बैठे छोड़ नहीं रहे, झोली परेशानी होगी माला ही नहीं छोड़ रहे है, माला ही नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इच्छा नहीं रहने पर लो बैठो ठाकुर के सामने बैठो, ठीक है ना, बैठ करके आदर करके प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक क्या करो, भगवान का नाम को लो। लेते लेते धीरे धीरे क्या होगा, चेत दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे तुम्हारी चित्र की जो दर्पण है धीरे धीरे साफ होते जाएगी है। भगव महादावाग्निर्वापर्णम, संसार का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। भगवान का नाम रूपी जो किरण पड़ेगा तुम्हारे हृदय खिल जाएगी। जो विद्या पढ़ी कर रहे हो, जो विद्या विद्या पढ़ रहे हो, ये विद्या का जीवन क्या है, बोले भगवान का नाम। मतलब क्या है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो है, पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई का फल क्या है, बोले भगवान के नाम में रुचि। अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई ना, समझना पढ़ाई तुम्हारी सार्थक हो गया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु जो बहुत बड़ा पंडित है, उन्होंने परास्त किया, सरस्वती ने वरदान दिया था, जगत में कोई परास्त नहीं कर सकते हो है। लेकिन जब महाप्रभु को महाप्रभु परास्त कर दिया, सरस्वती के मंत्र जब करते करते सो गए, बोले मैया तुमने वरदान दिया था, जगत में कोई परास्त नहीं कर सकता, एक छोटे बालक मेरे को परास्त कर दिया। सरस्वती क्या कहती है, आज विद्या का फल तेरे को मिल गया है, मैं जिसको पर सही कृपा करती हूँ उसको मैं प्रभु के पास में पहुंचा देती हूँ, और जिसको कृपा नहीं करती हूँ ना तो उसको संसार में गधा बना देती हूँ। गधा क्या करता है, दिन भर पीठ भर बोझा ढोता है, ढोता तो बोझा लेकिन खाता है क्या, भूसा, पीठ के ऊपर चीनी चावल दाल घी सब ढोएगा, लेकिन खाएगा क्या है, भूसा ही खाएगा। कहते संसार में उसको गधा बना देता हूँ है, लेकिन जिसको पर सही कृपा करती हो ना मैं भगवान को पहुंचा देती हूँ।
आज तुम्हारा पढ़ाई सार्थक था, जाओ उनकी शरण में। महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु बोले विद्या पढ़े के ना, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कितने शादी के लिए बढ़िया घर बनाओगे? बोले नहीं, कृष्ण भक्ति जानना, भगवान की भक्ति को जानने के लिए। अगर पढ़ाई लिखाई करके प्रभु की भजन नहीं किया तो भैया जब शरीर छूट करके जाएगी, ये विद्या पौरुष साथ में कुछ भी नहीं जाएगी, सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा, सारे डिग्री बिग्री। एक डिग्री जाएगी राम नाम सत्य है, हमको पालना सत्य, वही डिग्री काम करेगी, और कोई डिग्री काम तुम्हारी नहीं करेगी, ठीक है ना। इसलिए एक दिन ऐसे आएगा, बस भगवान के नाम करते करते प्रेम में हम डूब जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान का नाम को ही अपना जीवन का मूल बना दो, ठीक है। लेकिन जब करते 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 जब नाम में रुचि हो जाएगी ना, अभी तो नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, उसमें हृदय तुम्हारी पिघलना शुरू हो जाएगा, है हृदय तुम्हारी द्रवीभूत हो जाएगी। नाम लेते लेते फिर हंसते था, फिर कभी कभी हंसने लग जाते हैं, बोले क्यों हंसते हैं, कहते हृदय में जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना टीवी में, ऐसे तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी की लीला उतरने शुरू हो जाएगा, है भगवान की लीला उतरेगी। तब कहते क्या क्या देखता है, बोले एक समय कृष्ण ध्यान देख रहे, सुनो किसी गोपी को घर में मक्खन चोरी करने गए, कहाँ गए, मक्खन चोरी करने गए। वो गोपी सोचती है कृष्ण के लिए तो मैं मक्खन बनाती हूँ, लेकिन कृष्ण आते खाकर थक जाते, फिर कृष्ण दर्शन नहीं होता। एक दिन ही घर में बांध कर रखूंगी और पास में बैठी कर ना अच्छे तरह से निहारूंगी, कृष्ण को बढ़िया से देखूंगी, अच्छे तरह से देखूंगी। इतने में कृष्ण आए, इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, देख कोई है, जैसे बिल्ली जाता है ना, बिल्ली है सूखे पत्ते के ऊपर चलेगा तो आवाज नहीं आएगी। कृष्ण ऐसे बिल्ली जैसे धीरे 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 गए और मक्खन खाना शुरू कर दिया। गोपी तो देख करके एकदम प्रेम में विभोर हो गई, आज मक्खन बनाना मेरी सार्थकता हो गया, क्यों ठाकुर जी मक्खन खा रहे। लेकिन जब कृष्ण मक्खन खा लिया ना, झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे, है कहाँ जाओगे, तेरे को तुम हमारे घर में क्यों आए। कृष्ण बोले मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन चोरी करा, धोखे से आ गया, बोले धोखे से आ गया, मजे चखा तो चल तेरे को बांध करके रखूंगी। कृष्ण को ले गए, बोले खंभे पर हाथ रख, कृष्ण हाथ रखे और अपना चोटी से जो रिबन फीता होता ना निकाली, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, एक बार बांधे दो बार लेकिन खिसक जाए, बंधने में नहीं है खिसक जाती है। इतने में कृष्ण कहता है गोपी कभी जिंदगी में तू कभी बंधी गई कि नहीं, बोले नहीं, बोले जब तू बंधी नहीं गई दूसरों को कैसे बांधोगे, बोले कन्हैया तेरे को बांधना आता है, बोले और क्या, बोले सिखा दे, बोले हाथ रख तेरे को सिखा दी, हाथ रख, अभी हाथ रखे कृष्ण एक लपड़े दो लपड़े तीन, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांधती, बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, हाँ बोले तेरे को क्या, बड़े बड़े ज्ञानी जोगियों को भी अपना प्रेम में बांध देता हूँ, बोले कन्हैया खोल दे, बोले गोपी अभी तक तो मैं किसी को खोलना सिखाई नहीं, सबको बांधना ही सिखाए, बांधना ही सिखाए, बस कृष्ण ना तो ग्यारह हो गए। इसलिए जब उन्होंने जो लीलाओं को दर्शन करते है ना, दर्शन करके हा 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 कर हंसने लग जाते हैं, और कभी कृष्ण मक्खन खाते हुए घूमने के लिए आए, कृष्ण भगे वहां से जहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, वो भग रहा है, काल भी जिनको डर से कांपते हैं, लेकिन आज गोपी के डर से भगवान भाग रहे। ये सब चीज को देख कर हंसने लग जाते हैं, कभी रोते हैं, बोले क्यों रोते हैं, जब कृष्ण हृदय से अंतर ध्यान हो जाए विरह में रोने लग जाते हैं। कभी नाचते हैं, बोले क्यों, जब फिर कृष्ण दर्शन देते हैं आनंद मस्त होकर नाचते हैं, उस समय उसको ध्यान नहीं रहता, कौन कुछ बोलता नहीं बोलता, ध्यान नहीं, बस कृष्ण लीला में डूबा हुआ रहता है, डूबा हुआ कृष्ण लीला में, ठीक है ना। क्या करना, हरि नाम करना, क्या करना है, गले में तुलसी की माला, ठीक है ना। तुलसी कोई लकड़ी मत समझो, पृथ्वी का सबसे ज्यादा कहीं मेडिसिन हो ना तुलसी वृक्ष, समझ रहे हो। अभी कोरोना आया था ना, सबसे पहले रामदेव बाबा ने कोरोना निकाला, सुने कि नहीं, जानते हो उसमें 80% तुलसी था। अभी पता हिमाचल में बता रहे थे सारा दुनिया में कोरोना हो गया, लेकिन वहां पर एक जगह पर कोरोना नहीं हुआ, डॉक्टर वहां पर गए, भैया सारा दुनिया को कोरोना अफेक्ट किया, यहाँ क्यों नहीं हुआ, देखा वहां हर घर में 20-25 करके तुलसी चाहता, इसलिए वो तुलसी पत्ता खाते थे, इसलिए वो कोई कोरोना नहीं हुई है। दुकान से एक दवा ढूंढना तुलसी पावर है, उसको पढ़ करके देखना 200 बीमारी की प्रतिशत का मेडिसिन तुलसी बिखे, जैसे गले में कंठ धारण के स्नान करोगे ना पानी सारा शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी भी शरीर से नष्ट हो जाएगी, है नष्ट हो जाएगी, उसका पानी जाने पर पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना होता है, समझ रहे हो।
इसलिए तुलसी को साधारण लकड़ी मत समझो। हम तो भारत भारतीय है ना, भगवान को जो भोग लगाते हैं तुलसी पत्ता के ऊपर ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं ग्रहण करते। उसी तरह जिसके गले में तुलसी कटी नहीं, वो अपना शरीर से ठाकुर का सेवा नहीं कर सकता, उसका शरीर अपवित्र है। उसका शरीर जब महाराज जमदूत को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं उनको मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, एक पालतू और एक फालतू है। बोले कैसे पता चलता पालतू, बोले गले में पट्टा बंधा रहता है, पता चलता किसी घर की कुत्ते, और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को छोड़ता है, गले में कंटी नहीं तो हम कौन है, फालतू बन गए, क्या बन गए, अभी तो फालतू ना पालतू है, फालतू सब कुत्ते तुम। इसलिए पालतू किसी के ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, भगवान की ये पालतू, ये पालतू सब पालतू है, अभी तुम्हारे सब फालतू है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, गले में कंठी और तिलक धारण करनी चाहिए, गोपियों का चरण धूली इसको साधारण कोई मिट्टी मत समझो। वो द्वारका से आता है, नारद जी इसको लेकर गए थे कहाँ पर, द्वारका लेकर भगवान स्नान किया, पवित्र है, पवित्र वस्तु है, इसको लगाने पर शास्त्र कहता है ऊर्ध्व पुंडर धर्म मृत चतुर्कुटजित, अभी तिलक लगा तो कहीं भी मरेगा सुपाक होगी, वो चंडाल की उन्हें होता है। भगवान कहते हैं मम लोक महियत, मेरे गोलोक वृंदावन जाएगा, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरि वल्लभा, जो व्यक्ति तिलक लगाते उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती कुरुक्षेत्र लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब उसका शरीर में नित्य तस्य भवेत्, जस्य पदां के तदम, जो तिलक लगाते उसको शरीर में सभी तीर्थ निवास करते। जमदूत जम महाराज कहते हैं अगर इसको गले में कंठी तिलक देख लिया ना तो खबरदार वहां नहीं जाना, मना करते थे, समझ जाना ये ठाकुर का शरण लिए हुए, हम उसको ऊपर कोई हमारे कोई अधिकार नहीं रहेगा, सीखे क्या करना, सब तिलक लगाना, ऐसे नहीं आज हम लोग आए लगा दियो, नहीं रोज लगानी चाहिए, ठीक है ना। सर्व नहीं करना, सर्व तो गंदी काम, लड़कीबाजी के लिए सर्व नहीं करते हैं, शराब पीने के लिए, बीड़ी फूकने के लिए सर्व नहीं, भगवान की भजने के लिए क्यों सर्व करें, ठीक है ना, सर्व नहीं करनी चाहिए। गले में कंठी तिलक और क्या, हरि का नाम, हरि का नाम, क्यों, ये अंतिम समय में यही तुम्हारी काम आएगी और कोई काम आने वाले नहीं, ठीक है। भजन करो और जीवन में शांति में रहो, सुख में रहो और पास जीवन में चला, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। किसको उसमें माला कोई लेना है, किसको कोई नहीं, कौन नहीं, कौन है, हरि नाम लेने वाले कौन, इधर सुन लो, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ठीक है ना, ये गंदी चीज अपवित्र वस्तु है, ये गोमांस से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गोमांस से, ये मुसलमान लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्याज लहसुन लाए, उनको पता है सब मांस खाता है हिंदू लेकिन गोमांस नहीं खाते, कौन सा मांस नहीं खाते, तो उन्होंने शास्त्र ढूंढा, ढूंढे ढूंढे देखा देखा जो गोमांस से ये प्याज बना हुआ, उसका हड्डी से लहसुन बना हुआ है, बोले किसी तरह से इनको प्याज लहसुन खिलाते तो भाई युद्ध खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब मुसलमान बन जाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, इसको खाने से गोमांस खाने का पाप लगता है। हाँ ठीक है, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Krishna, 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 Krishna.
बेटा गौर प्रेमानंद है।